सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हमने किरण की बुक शुरू की थी और हम 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 33वें क्वेश्चन से। जल्दी आपको मैं प्ले लिस्ट बना के दे दूंगा, तो आप सारी वीडियो एक साथ आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखो, 296 का 20% का 30% बराबर 1480 के 5% का 50% का 40% के बराबर। तो बी का मान हमने बताना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस 100 को 100 से कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो ये बचेगा यहाँ पर 1480 गुणा में 5 गुणा में 50 गुणा में 40/100। जो ये है 296, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ 296 इंटू ये आ जाएगा 30। इसको सोल्व करना है और आंसर क्या आ जाएगा, 50/3। छोटी सी कैलकुलेशन है, कर लेना, ये आंसर हो जाएगा। जी का 60% एच के 4/5 के बराबर है। तो सवाल में पूछ रखा है कि जी एच का लगभग कितने प्रतिशत है, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो 0 से 0 काट देंगे, 5 से 5 2 10, जी और एच का मान निकाल लेंगे। यहां से 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 8 है, तो ये हो जाएगा जी अपॉन एच इज इक्वल टू 4/3। तो बताना है सवाल में कि जी एच का कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है इसका, यानी कि एच का, तो 3 का एक्स प्रतिशत अगर हम मानते हैं इसके बराबर 4 के बराबर, तो यहां से आपको पता चल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 × 100/3। इसको डिवाइड करके देख लेना, 133.33%, ये आंसर हो जाएगा। एम बराबर है 8x और एन बराबर है 6x, तो एन एम से कितने परसेंट कम है, तो यहां से देखो एक्स से हम एक्स काट लेते हैं एक बार, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है 8 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो बताना है जो ये n है ये m से कितने परसेंट कम है, अगर ये 8 है और ये 6 है तो इसका मतलब कितना कम है ये इससे, ये 2 कम है, किससे कम है, इससे m से, तो यहाँ लिखेंगे जिससे कंपेयर करते हैं और कितने प्रतिशत है, तो गुणा में 100 कर देना, तो 2 × 8 4 से काटेंगे तो जाएगा 25% कम है, तो ये आंसर हो जाएगा। x का 40% और y का 60% बराबर दे रखे हैं, और इसमें दे रखा है x और y का औसत 225 है, तो x और y के बीच का अंतर, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको, सोल्व परसेंट से परसेंट कैंसिल करके 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 × 4 और 2 × 3 अच्छा, यहाँ से x और y का मान आ जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 3/2। x का मान है 3 और y का मान है 2, औसत दे रखा है 225, तो यहां से हम उसका औसत निकालेंगे। देखो औसत क्या होता है, इनको जोड़ देंगे जितनी भी संख्याएं हैं, 1 और 2 दो संख्याएं हैं, दोनों को योग करेंगे, इनका 3 और 2 कितना होता है 5, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, जितनी संख्याएं हैं इससे औसत निकल के आ जाता है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का औसत आ जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि 225 है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके बराबर रख देंगे, इसको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 2.5, पॉइंट हटाने के लिए 0, अब ये कट जाएगा 25 × 225 और 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ जाती है। तो बताना है x और y के बीच का डिफरेंस बताना है, तो यहाँ से देखेंगे 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, और जितना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, इसको 90 गुणा कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो आ जाएगा 90। जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि कर दी जाती है तो वो संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है, 170% हो जाती है, तो बताना है कि वो संख्या क्या होगी। देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, देखो 112 की वृद्धि की है तो वो कितनी हो जाती है स्वयं की, 170% हो जाती है, यहाँ लिखेंगे 170% और प्रतिशत हटाने के लिए करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 17/10। इसका मतलब क्या है, इस फ्रैक्शन का मतलब ये है कि वो संख्या 10 थी अब 17 हो जाती है, क्योंकि 17 10 का 170% है, तो कितना बढ़ाया गया है यहाँ पर देखेंगे 7 बढ़ाया गया है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 112 बढ़ाया गया है, तो 7 × 7 और 7 × 6 = 42, तो यहाँ से कितने गुणा आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू, इसको डिवाइड करके देख लिया करो 7 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी, संख्या हमने मानी थी 10, तो इसको क्या कर देना है आपने 16 गुणा कर देना, तो 160 वो संख्या आ जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% कमी की जाती है, तो स्वयं संख्या में निवल वृद्धि या कमी क्या होगी, ये बताना होता है। ये मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, बिल्कुल आसान है। देखो किसी संख्या को 30% बढ़ा दिया और फिर 30% कम कर दिया, तो 30 × 30/100 कर देना, हमेशा कमी होगी इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो 9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मैंने माइनस का निशान दे दिया।
सवाल में ये भी पूछा जाता है कि 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो बताओ कमी या कितनी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 20 गुणा में 20, ये पक्का है हमेशा कमी होगी, तो यहाँ से आ जाएगा 4% की क्या हो जाएगी कमी। ये भी कह सकता है कि 10% बढ़ाया जाता है फिर 10% कम किया जाता है, तो बताओ कमी कितने परसेंट की हो जाएगी या वृद्धि कितने परसेंट की। तो 10 गुणा 10 बटे 100, इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा आपको, तो 1% की यहाँ पे इस तरीके से कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x का x परसेंट 256 है, देखो x का अगर x परसेंट 256 है तो x की x का मान बताना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर है 256 और 256 00। इस स्क्वायर को काटने के लिए अनरूट करना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, ये 160 का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो ये आंसर आ जाएगा x का मान क्या हो जाएगा 160। यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है तो उस संख्या का 250% कितना होगा। देखो 50% जब 80 है, आधा 80 है, तो पूरा 100% होती है, कोई भी संख्या लगाओ तो 100% कितना हो जाएगा, इसका दोगुना कर देंगे 50, यानी कि आधा जब इतना है और आधा इसमें और मिला देंगे तो इसको दोगुना कर सकते हैं, तो 160 क्या जाएगी संख्या, और इसका 250% हमने बताना है, तो इसका 250% निकाल देंगे इस तरीके से, 25 का 150, 15 कैरी ले लेंगे, 25 एकम 25 और 15 40, तो वो संख्या क्या, उस संख्या का क्या जाएगा 250% 400 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ए बी का 95% है, देखो ए बी का 95% है, तो 200 मान लेते हैं, तो इसका जो ए है 95% हो जाएगा बी का, तो बताना है कि ए का कितने प्रतिशत बी है, तो ए का बताना है, तो 95 का कितने प्रतिशत मान लेते हैं एक्स परसेंट क्या है बी है, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 गुणा में 100 बटे में 95, इसको डिवाइड करके एक बार देखोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 105 सही 5 बटे में 19%, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 105 सही 5 बटे 19%। 280 का x परसेंट इज इक्वल टू 240 के 15% प्लस 310 के 20% के बराबर है, तो x का मान हमने बताना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको हम यहां से शुरू करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 से 5 दिए 15, 5 दो 10, 2 से काट देना ये 12 पर कट जाएगा, और ये इसको 0 से 0, 0 से 0 31 दूरी हो जाएगा 62 और 12 दिया 36, तो 36 में अगर 62 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 98, ये बन जाएगा इसके बराबर आ जाएगा ये। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू, देखो ये 100 इधर ऊपर चला जाएगा गुणा में 100 और बटे में क्या हो जाएगा इसके, यहाँ आ जाएगा 280, 0 से 0, 7 से काट देना, 7 चौका 28, 7 एकम 7, 7 चौका 28, ये 0 आ जाएगी, 4 से काट देना, 4 3 12 और 4 5 20 35 आंसर आ जाएगा। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है फिर 20% की वृद्धि की जाती है फिर 12% की कमी की जाती है, तो बताना है आखिर में कमी होगी या कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये बताना होता है। जब हमें पता ही नहीं है संख्या का तो हम 100 मान लेते हैं, अगर 100 है संख्या तो 10% की किसी चीज में वृद्धि की जाती है किसी संख्या में, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी, तो यहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्ट 110%, फिर 20% बढ़ा दिया तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120%, और 12% कम किया है तो 100 में से 12 कितना बचेगा, अब इसकी वैल्यू 88%, ये बच जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे, काटने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है 116.16, ये प्राप्त होगा। संख्या हमने कितनी मानी थी 100 मानी थी, अब 100 की बजाय कितनी हो जाती है ये हो जाती है, तो इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई है 16.16, इतनी वृद्धि हुई है, और पहले संख्या थी 100, तो कितने परसेंट को गुणा में कर देंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 16.16% की इसमें क्या होगी वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 43 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और कल हम करेंगे टाइप नंबर 2, आज टाइप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, धीरे धीरे करके हम स्पीड को बढ़ाते हुए चलेंगे, एकदम से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, काफी दिन हो चुके थे वीडियो बनाए हुए तो अब थोड़ी सी शुरुआत हुई है, और हम इसको जो ना टाइम ड्यूरेशन को भी मैं बढ़ा दूंगा धीरे धीरे करके, फिर 20 मिनट और 30 मिनट पर ले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की हम कोशिश किया करेंगे, ठीक है। कल मैं करवाऊंगा आपको टाइप 2 और इसके टाइप 2 के आपके 4 क्वेश्चन है, फिर टाइप 3 भी मैं कल ही शुरू करवा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।